फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह का जन्म 1309 को हुआ था। उसका शासन 1351 से लेकर 1388 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। वह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई सिपह सलार रजब का पुत्र था। उसकी माँ नैला दीपालपुर के भाटी राजपूत शासक राणा मल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ। पुनः फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए, जिसमें सोनार ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज शाह कट्टर सुन्नी धर्मांध मुस्लिम था। प्रारंभिक असफलता। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय शमशुद्दीन इलियासी शाह वहां का शासक था। उसने इकलदा के किले में शरण ले रखी थी। सुल्तान फिरोज अनंत किले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 ईस्वी में वापस दिल्ली आ गया। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के वहां के तत्कालीन शासक शमशुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु असफल होकर एक बार फिर वापस आ गए। आंशिक सफलताएं। सुल्तान फिरोज ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त किया। 1361 में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। यहां के जाम बाबनिया से लड़ती हुई सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रण के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम बाबनियों ने सुल्तान अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गए। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। उसने दक्षिण में स्वतंत्र हुए राज्य विजयनगर, बहमनी और मदुरा को पुनः जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कहा जाता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में कोई सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया। जो भी अभियान उसने किया वह मात्र साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किया। राज्यसभा व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर, लगान, युद्ध में लूट का माल, जजिया और जकात को वसूलने का आदेश दिया। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। संबत फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा में 5 बड़ी नहरें यमुना नदी के हिसार तक, 150 मील लंबी सतलुज नदी के घग्गर नदी तक, 96 मील लंबी सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण करवाया। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया। नगरों की स्थापना। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। इन नगरों को यमुना नदी के किनारे बसाया गया। फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फरुखुद्दीन जौना की स्मृति में डाली थी। उसके शासनकाल में खिजाबाद एवं मेरठ से अशोक के स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। इस कल्याणकारी के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दारुल शफा नामक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमे गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। फिरोज की नीति एवं परिणाम। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 180,000 पहुंच गई थी।
उनकी देखभाल हेतु दीवाने बंदगान की स्थापना की, कुछ दास प्रांतों में भेजे गए तथा शेष को केंद्र में रखा गया। दासों को नगद वेतन या भूखंड दिए गए। दासों को दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया गया। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ किया। उसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसमें सैनिकों की योग्यता की जांच पर असर पड़ा। खुम का 4/5 भाग फिर सैनिकों को देने का आदेश दिए गए। कुछ समय बाद उसका भयानक परिणाम सामने आया। फिरोज तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं। संभव दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्म गुरुओं का प्रभाव स्थापित हो गया। मुक्ति कानूनों की व्याख्या करते हैं। मुस्लिम अपराधियों को मृत्यु दंड देना बंद कर दिया गया। फिरोज शाह कट्टर मुसलमान था। उसने हिंदू जनता को जिम्मी कहा और हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा है कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोधी एवं औरंगजेब का अप्रगामी था। दिल्ली सल्तनत में पहली बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया भी लिया। तीसरे अभियान में जगन्नाथपुरी मंदिर में लूट। फिरोज शाह ने अपने जीवन काल में मात्र 4 अभियान किए। इसी क्रम में फिरोज तुगलक ने ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए जिंदा जलाया क्योंकि वह मुसलमान के बीच हिंदुओं की प्रशंसा कर रहा था। उसने नगरकोट 1360 में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर में स्थित पुस्तकालय के 1300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया जिसे दलायते फिरोजशाही नाम दिया। इसके साथ ही फिरोज शाह ने प्रशासन में हिंदुओं को शामिल करना अत्यंत सीमित कर दिया। मुस्लिम महिलाओं के पीरों की मजार जाने पर पाबंदी। उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए ही उसने हिंदुओं पर अत्याचार के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के पीरों की मजार जाने पर पाबंदी लगाई। पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया उसने तथा अनेक मस्जिदों व मदरसों का निर्माण करवाया। इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को बुलंद इमारतों की तामीर करवाने के शौक के कारण भी याद किया जाता है। उसने करीब 300 नगर बसाए थे जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर आदि प्रमुख हैं। दिल्ली स्थित कोटला फिरोज शाह दुर्ग को, जो कि फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से जाना जाता है, भी इसी ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया था जिसे फिरोजाबाद नाम दिया। फिलहाल दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला आबाद कभी उसके दुर्ग का काम करता था। इस किले को कुश्के फिरोज यानी फिरोज के महल के नाम से पुकारा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि फिरोजाबाद होज खास से लेकर पीर गायब तक आबाद था, लेकिन अब इसके अवशेष ढूंढे नहीं मिलते। इतिहासकार फिरोजाबाद को दिल्ली का 5वां शहर मानते हैं। संरक्षण एवं रचनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों एवं मदरसों की स्थापना करवाई। उसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज आफीफ को अपना संरक्षक फिरोजशाही की रचना की, जबकि सीरत ए फिरोजशाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान द्वारा की गई। फिरोज ने हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का अजुद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। दलायते फिरोजशाही आयुर्वेद से संबंधित था। उसने जलघड़ी का आविष्कार किया। फिरोज काल में खान ने जहां तिलगानी के मकबरे का निर्माण हुआ। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। अपने भाई जोना खान की स्मृति में जौनपुर नामक शहर बसाया। घूसखोरी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। आफीफ के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से 1 टका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके। फिरोज तुगलक सल्तनत कालीन पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने एक अनुमान के अनुसार फिरोज तुगलक के शासन काल की वार्षिक आय 6,75,00,000 टका थी। सिक्कों का प्रचलन।
फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे संभव अद्धा एवं मिश्र कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने शंशगानी का नया सिक्का चलवाया था। उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित करवाया। फिरोज शाह ने अपने को खलीफा का नायब कारा तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। फिरोज शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया। शासक के कर्तव्यों का विस्तृत किया तथा इस्लाम धर्म को राज्य शासन का आधार बनाया। हेनरी इलियट और एल्फिन स्टंट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा। फिरोज शाह तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खान ए जहां मकबूल को दिया जाता है। फिरोज शाह की मृत्यु एवं उत्तराधिकारी। फिरोज की सैन्य नीति बेहद ही कमजोर रही, जिसके कारण उसे बंगाल में कई बार शिकस्त मिली और कई बार तो उसके अयोग्यता और लापरवाही के कारण हजारों सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपने शासनकाल में उसके हाथ ज्यादातर असफलता ही लगी। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी के रूप में उसका पोता तुगलक शाह नियुक्त हुआ, लेकिन 19 फरवरी 1359 को कुछ लोगों ने तुगलक शाह की हत्या कर दी और उसके चचेरे भाई अबू बकर को सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने अंतिम दिनों में अनेक रोगों से ग्रसित हो चुका था। उसके ही काल में उसके सभी बेटों की हत्या कर दी गयी थी और 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई तथा उसे दिल्ली के होजखास परिसर में दफनाया गया। इस घटना के बाद फिरोज शाह तुगलक का बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शांत नहीं बैठ सका और कुछ लोगों के साथ खुद को सुल्तान घोषित कर लिया और अबू बकर पर हमला कर दिया और उसे बंदी बना लिया। लेकिन नसरुद्दीन इन लड़ाइयों के कारण बीमार पड़ गया तथा 1394 में उसकी भी मृत्यु हो गई। नसरुद्दीन के मरने के बाद उसका सबसे छोटा बेटा महमूद तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान बना तथा इन मुसलमान विदेशी आक्रांताओं को बड़ी मात्रा में हिंदुओं के विरोध का सामना करना पड़ा।